करते हैं सारे स्टूडेंट पे जो होती है क्लास के बीच में कुछ कुछ कॉल आती है जिसके लिए हम क्लास के बीच में ही टीम व्यूअर में सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे अभी के अभी एक टीम व्यूअर में मैंने सॉल्व किया है प्रॉब्लम जो नियमित थी का उसका अनलॉकिंग नहीं हो रहा था, उसे एरर आ रहा था जो अभी हमने यहाँ पे जो पोस्ट भी है मेरे व्हाट्सएप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने आपको ये जो बंदा ये हमारा पुराना स्टूडेंट है अभी उन्होंने मुझे ये अल्ट्रा व्यूअर का आईडी दिया है और उसके बाद मैं अभी उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ और इसे नीचे लिखा है सर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एसी टेलीकॉम इज द बेस्ट और बेस्ट इंस्टीट्यूट। मैं दिखा नहीं रहा हूँ अभी टाइम भी देख लीजिए आप। और नहीं ये एक्चुअली क्या है देखिए हम सपोर्ट का ऐसा नहीं करते कि हमने उनको टीम वीवर लिया और डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर टीम वीवर में उनको समझाया जाता है कि कहीं ऐसा था कि एसर टेलीकॉम का नाम सुना था ऐसा था क्या? सर यूट्यूब में मैं अक्सर देखता रहता था वीडियो वगैरह, फिर एक दिन मैं देखते देखते मैंने देखा कि मेरा भाई भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है, फिर मैंने उन्हें कॉल करा, मैंने पूछा भाई वो अकेला अकेला चला गया मुझे बताया नहीं, फिर उन्होंने बोला कि नहीं यार मुझे भी थोड़ा भी कुछ सीखना है, जब मैं चलूंगा तो आप भी मेरे साथ क्लास ज्वाइन करना, हम दोनों एक साथ चलेंगे एक बैच में। तो अब आपने यहाँ पे क्लास अटेंड की है तो कैसा लग रहा है वो आपको कि आपका जो चुनाव था आपका वो जो भाई पर आपने विश्वास करके यहाँ आए कि इन्होंने आपसे जो भी बोला होगा कि जैसा भी होगा अच्छा होगा, तो आपने कैसा लगा आप कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, मुझे पहले आईसी में काम करने से डर लगता था सर, अब हाथ इतना बैठ चुका है कि अब उतारने और लगाने में कोई वो नहीं है, चाहे पेस्टेड हो नॉन पेस्टेड हो कुछ भी हो। ये अभी आपने किया है क्या यहाँ पर? आईसी निकाला हुआ भी लगाएंगे। अच्छा लगाएंगे। और जो स्टूडेंट के रिव्यू हम देते हैं यहाँ पर वो भी आपने देखे, आज आप खुद दे रहे हो यहाँ पर? वो फेक नहीं है। हाँ वो आप समझ गए आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो रिव्यू दे रहे हैं बिल्कुल ओके हैं। अच्छा तो आपने यहाँ पर अभी कैसा अपडेट मिला अभी आपको यहाँ पर कैसा लगता है? इसकी नॉन टेस्टिंग सारे जो है तरीका लग रहा है तरीका, मैंने यहाँ डरते थे कि ये अलग अलग ग्लू यूज करते थे अलग अलग सॉलिड यूज करते थे भाई क्या ये लिक्विड डाल दिया वो डाल दिया है ना 200-300 रुपए के लिक्विड खरीद लाते थे है ना, प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। आपने देखा कुछ नहीं लगता कुछ नहीं लगता सिर्फ प्रॉपर टूल चाहिए बस है ना। अगर मैं बात करूं कोई मेरे पास डेड मोबाइल आता है और वो सॉफ्टवेयर से डेड है तो उसको डायग्नोस कर सकते हैं हम यहाँ पर ईएमसी से कि क्या उसमें खराबी है, ईएमसी में मुझे किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है उसमें, अगर उसमें ईएमसी चेंज भी होगी तो ईएमसी चेंज कर पाएंगे आप? यस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा एक रिव्यू, अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा आप जिसमें हम आपको बताएंगे एमआई का नोट 5 का जो डिस्प्ले है हमारा ब्लू आ रहा था एमआई लोगो आने के बाद में जिसमें हमने पावर ऐसी पीएमआई हमने चेंज करके रखी थी, पर अब उसके बाद क्या, तो उसके बाद अब हमारे स्टूडेंट जो कि इसी बैच के स्टूडेंट है वो आपके सामने है, इसके सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाएंगे एक नोट 5 का एमएसएम का सीपीयू है और आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या रिजल्ट मिलता है। जी है कुलविंदर जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर मेरे पास एक A1 हैंग ऑन लोगो था वो, अच्छा इसकी MMC मैंने निकाल दी है, प्रोग्रामिंग चल अभी अभी निकाल दीजिए, ये जो हमारा प्रोग्रामिंग चल रही है जो डंप है हमारे पास टेस्टेड डंप है 6GB का 7GB का डंप है, डंप राइड हो रहा है, डंप राइड हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसके बाद हम देखेंगे रिजल्ट भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सीपीयू को क्लीनिंग कर रहे हैं उसके बाद रिवॉल्व करेंगे। चलो ताली वगैरह तो ये दो बार में नहीं है, ये देखिए एंड्रॉइड आलो चार चुका है जो ब्लू डिस्प्ले आ रहा था अभी एंड्रॉइड तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने इसकी पीएमआई चेंज की हुई है और उसके बाद भी कोई सलूशन निकला नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, तो ये आप देखिएगा प्रैक्टिकली हमारे स्टूडेंट और ये हम नहीं करेंगे, ये कौन करेंगे अभी करेंगे हमारे कौन करेंगे? अच्छा ये तो ये हमारे साथ में एक स्टूडेंट है रूपम, ये करेंगे, इन्हीं से चालू करते हैं कि आज के सवाल जवाब, तो मिलन मिलाइए इनसे। तो ये जो हमारा स्टूडेंट है 15 अक्टूबर के स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? रूपम साहब मैं वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल। आपने एसर टेलीकॉम को क्यों चुना, मतलब क्यों लगा आपने पूरे इंडिया भर में इतनी जोर आकर एसर टेलीकॉम? मैं
मैंने पहले जो यूट्यूब में देखा था और गूगल में सर्च करके देखा था तो एशिया टेलीकॉम के नाम आ रहे थे। उसके बाद यहाँ जब आया तो देखा और प्रैक्टिकल किया तो मुझे लगा इंडिया चुनने का जो है सही तरीका। आप कितने साल से काम कर रहे थे? 7-8 साल। क्या क्या फेस कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि आपको लगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, मैंने तो पहले जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थोड़ा जो नॉलेज था वो तो कर रहा था, लेकिन अभी जो सेट आ रहा है एंड्रॉइड में उसका EMC वगैरह प्रोग्राम वगैरह इसमें अटक जाता है। अच्छा, एक बार मैं पूछना चाहता हूँ, ये चीज़ आप ऑनलाइन भी सीख सकते थे, फिर आपने क्यों ऑफलाइन आके सीखा? जो है ना उसमें कोई पूरा का पूरा नहीं आता, कुछ रह जाता था। और यहाँ का जो सर रविंद्र सर, उन्होंने तो क्या बताया मुझसे, उन्होंने जब आप पहले दिन से आज तक क्लास किया क्या क्या सीखा यहाँ पर आपने थोड़ा सा डिटेलिंग थोड़ी सी? आया था ओप्पो का एक्सेट लाया था तो मेरे पास पहले थे EMC जो है झटक था, उनसे नाम लोग के ऊपर वो डेट हो गया तो वो आपने बनाया था। उसके बाद फिर सर ने एक पावर का कॉलिंग दिया था सही से, उनको फिर दोबारा खोल के लगाया। तो मतलब आपने IC यहाँ लगाना, पेस्टेड IC खोलना, ऑफलाइन क्लासिंग जितने भी है, MI अकाउंट वगैरह जो भी मसला आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने देखा कि हमारे पुराने स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या यहाँ पर बैकअप सपोर्ट कैसा मिलता है, यहाँ पर क्या है बैकअप सपोर्ट का? बैकअप सपोर्ट सर बहुत बढ़िया है, और मैं तो लाइव बैकअप ले गया क्योंकि मेरे मेरी स्टेट में इंटरनेट की सेवा बंद है, तो इसलिए मुझे सर ने ऑफर किया कि आप यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, खास तौर पे हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ही इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। अभी बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके JNK के, आप ये कश्मीर से है ना, जम्मू से है, और वहाँ के हालात आप वैसे ही जानते हैं, वहाँ की इंटरनेट सेवा बंद है, हालांकि पूरी बंद नहीं है पर इतनी नहीं है कि हम JNDU यूज कर सके, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग के लिए हम ये सब यूज कर, तो ये उस लेवल पे काम नहीं कर पाए यहाँ से जाने के बाद में, तो इसलिए हमने इनको खास तौर पे बोला कि आप बिल्कुल आए और एक बार अपडेट किया। आपसे कुछ अलग फीस तो नहीं ली गई? नहीं ली गई। अब ये भी पूछ सकते हैं सारे स्टूडेंट पे जो होती है क्लास के बीच में कुछ कुछ कॉल आती है जिसके लिए हम क्लास के बीच में ही टीम व्यूअर में सॉल्व करते हैं, तो आप देखेंगे अभी एक टीम व्यूअर में मैंने सॉल्व किया है प्रॉब्लम जो DMC3 का, उसका अनलॉकिंग नहीं हो रहा था, उसे एरर आ रहा था, जो अभी हमने यहाँ पे जो पोस्ट भी है मेरे व्हाट्सएप में दिया है और उसके बाद मैं अभी उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ और इसे नीचे लिखा है, सर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बेस्ट इंस्टीट्यूट। मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आप टाइम भी देख लीजिए आप। और नहीं, ये एक्चुअली क्या, देखिए हम सपोर्ट का ऐसा नहीं करते कि हमने उनको टीम वीवर लिया और डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर टीम वीवर में उनको समझाया जाता है समझने के बाद कैसे कैसे क्या नेक्स्ट टाइम वो खुद कर सके, कर सकते। बाकी सपोर्ट किस तरह से मिलता है आपको पता है। चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, आइए, आपका नाम क्या है? राहुल पटेल। तो राहुल कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। आप महाराष्ट्र से, आपके साथ कोई और आया? आप अकेले यहाँ पर अकेले आए, इतनी दूर कैसे आ गए, क्या सोच कर आए थे इस टेलीकॉम में, क्यों इस टेलीकॉम में? खुद से ऐसा लगा जो मुझे मिलना चाहिए नॉलेज इधर नहीं मिल रहा, बाहर नहीं मिल सकता, बाहर मुझे जाके भी आया। अच्छा, उधर मुझे नहीं मिला, इधर ऐसे बिठाना। अच्छा, प्रोग्राम कैसे करते हैं, मोबाइल डेड हो गया, क्या चीज छूट रही थी आपसे इसे आने से पहले? सबसे दिक्कत हो रही थी कि ऐसी बिठाना निकालना नहीं आ रहा था, नॉर्मल भी और विदाउट पेस्ट ये वाला, दोनों तरीके की कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा था। आपने यहाँ पे कोई काम किया, ऐसे बिठाया यहाँ पर? कल एक बिठाया था तो अभी कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा, पता चला बढ़ा है, नॉलेज भी हो गया कैसे बिठाना, कैसा बिठाना है, इसमें अब अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग की बात करूं तो UFI और JTAG की बात करें, अगर बूट पार्टीशन की बात करें या IC अगर रिप्लेस करते हैं तो किस तरह से उसकी पहचान होती है, ये सारी चीज नॉलेज मिली आपको यहाँ पर, पता है उसमें? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ में एक स्टूडेंट और है, आपका नाम क्या है? समीर अहमद। समीर, आप ये बताओ कहाँ से? आसाम से हैं। आप अकेले आए हैं, आपके साथ कोई और है? साथ में एक है, फ्रेंड है आपके। तो आप ये बताइए कि आपने एशिया टेलीकॉम को चुनने का क्या रीजन था, कि आपने क्यों आपने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ, क्या रीजन? बहुत सारे इंस्टीट्यूट का लास्ट में हम
एशिया टेलीकॉम को, तो वो क्या रीजन था? मतलब मैं जानना चाहता हूँ ना, मेरे जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने क्या एक चीज देखी हमें कि यहाँ आया, क्योंकि बहुत भी तो इंस्टीट्यूट है ना यार, बहुत सारे, क्या आपको क्लिक हुआ यहाँ पर कि मुझे यही जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्या? सब देखे मुझे सही लगा। अच्छा, मतलब आपको थोड़ा यहाँ पर जेन्युइन रिव्यू लगी। अभी आप खुद दे रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि आने से पहले और अब में कितना अंतर है आप में, क्या आप में नॉलेज में बहुत फर्क है, क्या क्या चीज अपडेट की आपने? मुझे एनएमसी लगाना, आईसी बिठाना, लो आईसी पेस्टेड, प्रोग्रामिंग की बात करें तो सारा नॉलेज मिला है यहाँ पर। तो कैसा पढ़ाया सर ने आपको? बहुत सारे मिले सर, तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सर, अच्छे से समझाते हैं। और एशिया टेलीकॉम को चुनकर कैसा लगा अभी आपको? सेटिस्फाई है? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में एक स्टूडेंट है, ये हमारे जम्मू से आए हैं। जम्मू से आप? जी सर। अच्छा, ये हमारे कुलविंदर के ही भाई हैं और ये इनके साथ में आए। आप मुझे बताइए कि आप ईएमसी का प्रोग्राम, इन्होंने तो आपसे पूछा होगा कि कहाँ जाएं, आपने बोला कि एशिया टेलीकॉम। चल, इससे पहले कहीं ऐसा था कि एशिया टेलीकॉम का नाम सुना था, ऐसा था कि सर यूट्यूब में मैं सर देखता रहता था वीडियो वगैरह, फिर एक दिन मैं देखते देखते मैंने देखा कि मेरा भाई भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो फिर मैंने उन्हें कॉल करा, मैंने पूछा भाई वो अकेला अकेला चला गया, मुझे बताया नहीं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं यार मुझे भी थोड़ा भी कुछ सीखना है, जब मैं चलूंगा तो आप भी मेरे साथ क्लास जाएंगे ना, हम दोनों एक साथ चलेंगे एक बैच में। तो अब आपने यहाँ पे क्लास अटेंड की है, तो कैसा लग रहा है आपको कि आपका जो चुनाव था, आपको जो भाई पर आपने विश्वास करके यहाँ आए कि इन्होंने आपसे जो भी बोला होगा कि जैसा भी होगा अच्छा होगा, तो आपने कैसा लगा, आप कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, मुझे पहले आईसी में काम करने से डर लगता था सर, अब हाथ इतना बेस्ट हुआ है कि अब उतारने और लगाने में कोई वो नहीं है, चाहे पेस्टेड हो, नॉन पेस्टेड हो, कुछ भी हो। ये अभी आपने किया है यहाँ पर? आईसी निकाला हुआ भी लगाएंगे। अच्छा, लगाएंगे। तो मतलब प्रोग्रामिंग की बात करें, क्या चीज आपको लग रहा था कि कमी है आप में इससे पहले, कि क्यों आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, क्यों, क्योंकि आपने इससे पहले कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है क्या? सर पहले मैंने दिल्ली में करा था, वहाँ पे मुझे इतनी सारी नॉलेज नहीं मिली, बट यहाँ पे आने के बाद कुछ लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है जाकर? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, मतलब अच्छा, आपने भाई का सही सपोर्ट मिल गया। जी जी सर, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकी कुमार, असम से। विकी असम से है, आप अकेले आए? अच्छा, ये आप, अच्छा ये साथ में आपके, तो ये बताइए कि आप लोग दो सगे भाई हैं क्या? नहीं, हम लोग मतलब दो जगह के, अलग अलग है टेक्निशियन, अलग अलग टेक्निशियन, आप लोग भी दूसरे को जानते हैं। तो आप किसने आप दोनों में से पहला सजेशन किया कि एशिया टेलीकॉम जाना चाहिए? सर हम लोग यूट्यूब में बहुत सर्च करते रहे, मतलब कहाँ जाना है, अच्छा लेना है, मतलब उसके बाद भैया ने भी देखा, मैं भी बहुत सर्च किया, सर्च करने के बाद बहुत देखा यूट्यूब में बहुत का, लेकिन आपका जो एशिया टेलीकॉम मुझे बहुत अच्छा लगा, और देखे और ये देखा वीडियो में जो जो है प्रैक्टिकल भी है, सब कुछ प्रैक्टिकल है और स्टूडेंट से ही करवाया जाता है, सही बात है। अच्छा, मतलब पूछ भी आपसे ही रहे हैं, आज आखिरी दिन है, आपने ये भी नहीं है कि कुछ एक दिन बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ है कुछ, तो अभी आप तक को कैसा लगा कि कैसा अपडेट मिला आपको? मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले इतना तक जानता नहीं, और मोबाइल का काम करने से सब कुछ जाना पड़ता है, इधर आके मेरे को सब कुछ मिल गया अभी। तो अब ये बताया कि अगर यही चीज आप बहुत पहले कर लेते तो कितना अंतर होता है? बहुत अंतर होता है, बहुत आगे बढ़ जाता हूँ, अभी तो मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ना है, तो मतलब मेहनत करनी है आपको इसके बारे में। चलिए ठीक है, मेरे साथ जो है वो बहुत अच्छा से सिखाया, हमें बहुत मतलब उनसे बहुत कुछ सीखा है, और आगे भी आप इनसे सपोर्ट लेते रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट है यहाँ पर, आपका नाम क्या है? सर केमराज। केमराज, आप नेपाल से? नहीं सर, हिमाचल से। अच्छा, हिमाचल से ये भी है क्या? मतलब आप जब से है, तो आप बताइए इतनी दूर से आपने यहाँ हमें चुना, इसका रीजन क्या? यूट्यूब चेक किया हमने, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पहले से करते थे, लेकिन अब न्यू सेट जितने भी हाई स्कूल थे, अब या ऑनलाइन स्पोर्ट चाहिए था या प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि अब जो भी काम में आगे ऑनलाइन ही होगा या प्रैक्टिकल होगा, इसलिए ऐसे क्या क्या काम किया। अच्छा ये बताइए कि अब ये तो आप अपने आपके पास में शॉप है वहाँ पर, हाँ, तो आप वहाँ पर शॉप पे बैठ के भी सीख सकते थे ऑनलाइन, क्यों आपने ऐसा? उसमें ऐसा ऐसा जो प्रैक्टिकल और मिलन सर का तरीका देखा मैंने यूट्यूब पे और रिव्यू देखे इनके, तो वो बहुत बढ़िया लगे, इसलिए मैंने देखा कि वहाँ प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट में नॉलेज जो होगी वो बेस्ट होगी,
और जो स्टूडेंट के रिव्यू हम देते हैं यहाँ पर वो भी आपने देखे, आज आप खुद दे रहे हो यहाँ पर, वो फेक नहीं है सर, वो आप समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो रिव्यू दे रहे हैं बिल्कुल ओके हैं। अच्छा, तो आपने यहाँ पर अभी कैसा अपडेट मिला अभी आपको यहाँ पर, कैसा लगता है? इसकी टेस्टिंग सारे जो है तरीका मतलब हम डरते थे कि ये अलग अलग ग्लू यूज करते थे, अलग अलग सॉलिड यूज करते थे, भाई क्या ये लिक्विड डाल दिया वो डाल दिया है ना, 200-300 रुपए के लिक्विड खरीद लाते थे, है ना, प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। आपने देखा कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, सिर्फ प्रॉपर टूल चाहिए बस, है ना। और प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग का कैसा आपको यहाँ पे सीखने का? दोनों जो हमारे को प्रोग्रामिंग तरीका ही बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, मतलब यहाँ हमारे को सबसे ज्यादा मिल गया। अच्छा, क्या बात है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका यहाँ आने पर। मेरे साथ में एक और स्टूडेंट है यहाँ पर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आप कहाँ से आए? जोरम से। अच्छा, ये बताइए कि आपने एसर ग्रीप रूम क्यों चुना? सबसे ही पूछूंगा तो आपसे पूछूंगा। ये मैंने यूट्यूब से और मैंने देखा था, ये स्टिल मुझे अच्छा लगा है। अच्छा, और भी तो देखे होंगे आपने, तो इसमें क्या एक चीज अच्छी लगी मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब क्या आपने एक बार पकड़ी यहाँ पर? मैं 6-7 साल के अंदर में ये बड़ा आईसी का काम नहीं किया। अच्छा, मतलब आप 7 साल से काम कर रहे हैं पर आपने बड़ी बिग आईसी पर कढ़ाई किया, तभी इस पर नहीं गए आपने, तो अभी आपने काम किया है यहाँ पर। हाँ, अब कैसा कॉन्फिडेंस है आपका? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, अब आप काम कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, कस्टमर के मोबाइल को अपन लेकर बिल्कुल उस पर काम कर सकते हैं ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। ये नहीं कि यार यार प्रिंट उखड़ जाएगा, डेड हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, कोई मेरे पास डेड मोबाइल आता है और वो सॉफ्टवेयर से डेड है, तो उसको डायग्नोस कर सकते हैं हम यहाँ पर ईएमसी से कि क्या उसमें खराबी है, ईएमसी में मुझे किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है उसमें, अगर उसमें ईएमसी चेंज भी होगी तो ईएमसी चेंज कर पाएंगे आप? यस, कर पाएंगे। कैसा लगा आपका हमारे यहाँ के सर का सपोर्ट और पढ़ाने का? बहुत अच्छा है, मिलन सर बहुत अच्छा सिखाता है। प्रैक्टिकली यहाँ पर क्या देखिए, कितना मिला आपको यहाँ पर? अब ये बताइए, जो कुछ हमने बताए वो मुंह से बताए या प्रैक्टिकल? हाँ, वही प्रैक्टिकली है वो, चाहे ऑफलाइन क्लासिंग हो चाहे कुछ भी हो। और ये आपको देखने को मिला होगा कि रात में भी हम आपको अपने यूएफआई जेटेक ले जाने देते हैं ताकि आप वहां पर जाकर भी रिवाइज कर सके, प्रैक्टिकल कर सके। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये था, तो दोस्तों ये था हमारा एक रिव्यू। अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा आप, जिसमें हम आपको बताएंगे एमआई का नोट 5 का जो डिस्प्ले है हमारा ब्लू आ रहा था, एमआई लोगो आने के बाद में जिसमें हमने पावर ऐसी पीएमआई हमने चेंज करके रखी थी, पर अब उसके बाद क्या, तो उसके बाद अब हमारे स्टूडेंट जो कि इसी बैच के स्टूडेंट है वो आपके सामने है, इसके सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाएंगे, एक नोट 5 का एमएसएम का सीपीयू है और आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो चलिए आ जाइए यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पे जो है सीपीयू को हम खोल रहे हैं, खोल के हम रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी एमएसएम का कौन सा नंबर था? 8953 है। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से सीपीयू निकाला है, यहाँ पे देखा ये कि ये जो है सीपीयू बहुत अच्छे से निकाले हैं, और ये देख सकते हैं। तो अब इसको रिबॉलिंग करके लगाएंगे और ये ब्लू डिस्प्ले हम प्रॉब्लम दिखाएंगे आपको कहाँ से आ रहा है। बस बस इस बार फिर से कट कर देंगे, नहीं हूँ वाला नहीं, बस आराम से धीरे धीरे करो और अच्छे से क्लीनिंग करो। सर पैसा मैं क्लियर कर रहा हूँ।
जी है कुलविंदर जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर मेरे पास एक MI A1 था, A1 हैंग ऑन लोगो था वो। अच्छा, इसकी MMC मैंने निकाल दी है, प्रोग्रामिंग चल रही है। अभी निकाल दीजिए, ये जो हमारा प्रोग्रामिंग चल रही है, जो डंप है हमारे पास, टेस्टेड डंप है, 6 GB का, 7 GB का डंप है, डंप राइड हो रहा है, डंप राइड हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद हम देखेंगे रिजल्ट भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये CPU को क्लीनिंग कर रहे हैं, उसके बाद रिवॉल्व करेंगे। कोई नहीं करने तो फिर मैं बता दूं। देख रहे हैं यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे एक पेंसिल है ब्लैक कलर की, जो है 3D नहीं है बिल्कुल। किस कंपनी की है मिलन? ये जो है मेगा आइडिया की है, काफी अच्छी स्टेंसिल है। अच्छा दोस्तों, ये बात नहीं है कि काफी अच्छी स्टेंसिल है तो रिवॉल्व कर रहे हैं, स्टेंसिल कोई भी होगी तो रिवॉल्व तो कर ही लेंगे। बड़ा अच्छी चीज है कि अच्छे मोबाइल में कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी के टूल्स लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारे पास बहुत तरह तरह की स्टेंसिल है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसी रिवॉल्व उसी स्टेंसिल में करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वन शॉट में इन्होंने IC रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, वेरी गुड। थोड़ा सा और अगर बेस को सुखा लेते ना, हाँ तो हो जा सकते। IC निकालने लगाने तो आप लोग ने सीख लिया है, अब आपको करना क्या है कि कस्टमर के मोबाइल में तो आप काम करेंगे ही करेंगे, बट आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो कैसे करेंगे आप प्रैक्टिस बताइए। से काम करना, कीपैड मोबाइल चालू, देख सकते हैं वन शॉट में कैसे रिवॉल्व हुआ है, बहुत बढ़िया रिवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब ये आईसी को लगाएंगे जो बोर्ड में है, CPU लगाएंगे। तो पहले आप लोग कीपैड मोबाइल से काम करना, 2-3 कीपैड मोबाइल उसका CPU निकाल के उसको रिवॉल्व करना, फिर आप लोग क्या करना, जो 3G वाले मोबाइल है उस आपके अगर पास है या कस्टमर से आपको आ रहा है तो वो तो कर ही रहे हैं, आप डेड मोबाइल में IC चेंज कर रहे हैं, पर IC क्या डेड मोबाइल में चेंज करें प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, क्योंकि वहां पे आपको नया भी लगाना पड़ सकता है, वो चीज आप नहीं लगा रहे तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा यार ये हमसे सेट चालू भी हुआ। तो 3G मोबाइल आप ले लो, उसका CPU निकालो, ठीक है, लावा जैसे हो गए, ये सारे मॉडल हो गए, उनका CPU, उनकी EMMC निकालो, उनकी EMMC को स्वैपिंग करो, अगर मान लो दो एक जैसे, या तो उसके कोई यूनिवर्सल EMMC लगा के उसको अपग्रेड करो, देखो EMMC में है कि उसके कंपेटेबिलिटी EMMC मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मेरे पास मैं तब करूंगा जब कस्टमर आएगा, तब तक क्या पता कब आए या कब हो रहा है, तो प्रैक्टिस से तो 3 कर लोगे ना तो दिमाग में जिंदगी भर बैठे रहेगा, हार्ट सदना चाहिए आपको। CPU बिठा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, CPU रिवॉल्व कर लिया है, अब स्टूडेंट हमारे CPU बिठा रहे हैं, स्टूडेंट को दिखा दे जरा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लो, अभी
हाँ तरह के माइक्रोस्कोप है, जैसे आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एक रूम स्टाइल का माइक्रोस्कोप। हमारे पास तकरीबन 6 प्रकार के माइक्रोस्कोप है हमारी क्लास में, और भी हमारी जो दूसरी लैब है वहाँ पे भी हमारे माइक्रोस्कोप है, ताकि हमारे स्टूडेंट को हम ये बता सके कि कितने कैटेगरी में टूल्स आते हैं, क्या क्या, क्योंकि बजट होता है कई लोगों का, कई लोग इतने नहीं ले पाते हैं, कई लोगों को कम बजट में चीजें चाहिए होती है। आईसी बिठाने के बाद इतनी सारी टेक्निक है जिसमें से आप देख रहे होंगे टच मेथड है, जिसमें आप यहाँ पर बहुत सारे लोग ये चीज जब तक यहाँ आएंगे हम आपको बहुत अच्छी मेथड इसके अलावा भी ये भी और सिखाएंगे, जहाँ अगर आप लाइफ में अगर आपने आयरन भी नहीं पकड़ा होगा ना तो भी आप आईसी बिठा लेंगे। ये दावा है हमारा, अगर आपने लाइफ में आयरन नहीं पकड़ा होगा और ऑर्डर नहीं पकड़ी होगी तो आप वन टाइम में आईसी बिठा लेंगे। समझते हैं कि YouTube वाले में क्या होता है, वेट करो थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इन लोग ने बोलेंगे सर ने पैकिंग नहीं दिखाई, सीधे चालू मोबाइल दिखा दिया, ऐसा नहीं होता ना। तुम कंटिन्यू रखो वीडियो, लंबा बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा लिया, लगा लिया। अभी इसका बाबा वाले का केवल लिया था एक झटने, मेरे एक पहचान वाले ने, मतलब एक मेरे स्टूडेंट करना था फोन बूट पूरा स्टार्ट। चलो ताली वगैरह एक मन आगे। तो ये दो बार में नहीं है, ये देखिए एंड्रॉइड आ चुका है जो ब्लू डिस्प्ले आ रहा था, अभी एंड्रॉइड आ चुका है, इनके लिए फिर से एक ताली हो जाए। अब यहाँ पे जो है लाइव हमने दिखाया एक स्टूडेंट से, हमने सीपीयू MI 5 का सीपीयू रिवॉल्व करके दिखाया, कोई इसको हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने खुद से क्या है इनने की हमारे जो सारे स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, क्या बात भी हो गया, देखिए ये वाला भी हो गया हमारा, जो भी तुमने आईसी बिठाई थी देखिए यहाँ पर दिखाओ दिखाओ। तो ये एक और सेट जो हमने अभी आपको बताया था कि ईएमसी बिठा रहे थे, हैंग ऑन लोगो हो गया था, इन्होंने इसको पहले प्रोग्राम किया और फिर वापस ये सेट, ये देखिए ये भी वन टाइम में चालू किया। तो एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। चलिए देखो क्यों, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा। अभी हमारा 5 और 15 नवंबर का बैच है और बाकी सारी चीजें, अगर कॉल कर रहे हैं तो दिन में कॉल कीजिएगा 12 और 5 बजे के बीच में, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोल चाल की भाषा में बहुत फर्क है, अपन टेक्निकली बात करते हैं। बिल्कुल सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ के आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। मुझे हाथ जमाने के लिए एमएमसी और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने एमएमसी के लिए यही चुना, कि यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो एमएमसी भी बहुत अच्छा होगा। Okay, तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या यहाँ पर सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल, पुराना मोबाइल, डेड बुट रिपोर्ट, हेल्थ बेड रिपोर्ट, जो भी एरर आते हैं एमएमसी में वो सारे कंप्लीट होगा। उसके बाद अब आज की कंडीशन है मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको एमएमसी निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी एमआई अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, आईएसपी पिन आउट द्वारा भी कर सकते हैं, बिना डेड रिक्स के जेटेक और यूएफआई दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को बहुत किए भी है। A3S किया है, 6A किया है, तो कैसा पेसेट ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं। अगर कोई ईएमएमसी का पिन उखड़ गया, मैंने जो
डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं। कुमार को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये MMC करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर हमारे को IC रिवॉल्विंग वगैरह जो MMC है सब कुछ हम यहाँ एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चल रहा है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो फेसबुक भी आया था जो सर्किट बना था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेंगे, अच्छा दे रहे थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेड सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के IC को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका MMC और CPU निकाल करके दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया मेरे को पता लगा जो
इंश्योरेंस 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते, वो आप बोलते हैं कि डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हुआ हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस ग्रुप चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल में आप आया तो टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं सर? सर्टिफाइड है अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आई को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ, इसलिए मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल विजिट कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था की मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लेकिन इसके अंदर एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.